सरकार महाराष्ट्र विकास अगाड़ी नहीं है, महाराष्ट्र विनाश अगाड़ी है। केवल परिवार बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, महाराष्ट्र विकास के लिए नहीं है, केवल परिवार बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। आज मुख्यमंत्री है ये पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है, फुल टाइम मुख्यमंत्री नहीं है। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के जैसा फुल टाइम मुख्यमंत्री होना चाहिए, पार्ट टाइम मुख्यमंत्री नहीं है। मुंबई भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन हाल ही में संपन्न हुआ, जहां पर भाजपा के कई दिग्गज मौजूद थे। महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर वोट दिया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रदेश प्रभारी सीटी रवि ने तीन दलों की महाविकास अघाड़ी को विधानसभा बर्खास्त करके दोबारा चुनाव में उतरने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी में ताकत है तो विधानसभा को भंग करके दोबारा चुनाव में उतरे। सीटी रवि ने कहा कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर वोट दिया था, लेकिन शिवसेना ने केवल भाजपा ही नहीं बल्कि जनता को भी धोखा दिया। शिवसेना जनता के साथ विश्वासघात कर अवसरवादियों के गोद में जाकर बैठ गई है। सीटी रवि ने कहा कि प्रदेश में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार नहीं है बल्कि ये महाराष्ट्र विनाश अघाड़ी है। ये सरकार महाराष्ट्र विकास अघाड़ी नहीं है, महाराष्ट्र विनाश अघाड़ी है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी नहीं है, महाराष्ट्र विनाश अघाड़ी है। महाराष्ट्र के नागरिक वोट दिया है नरेंद्र और देवेंद्र जी का नेतृत्व का भी भाजपा का दिया है। हम लोग चैलेंज करता है, ताकत है तो विधानसभा विसर्जन करके चुनाव में आना चाहिए। लोग तैयार है, लोग तैयार है। वोट दिया है 2019 में जनता ने वोट दिया है नरेंद्र और देवेंद्र जी का नेतृत्व का भाजपा का दिया है, भाजपा का दिया है। ये अवसर पर क्या हुआ, शिवसेना ने जनता को धोखा दिया, केवल भाजपा को धोखा दिया नहीं, जनता को धोखा दिया है। अवसरवादियों के साथ मिलकर सरकार बना के लोगों को विश्वासघात किया है। हिंदुत्व छोड़ एक परिवार की पार्टी बनी शिवसेना। उन्होंने कहा कि कभी हिंदुत्व की रक्षा का सूत्र बनने वाली शिवसेना अब अपनी मूल विचारधारा को छोड़कर परिवार की पार्टी बन गई है। महाविकास अघाड़ी में एक बारामती का परिवार, दूसरा इटली का परिवार और तीसरा ठाकरे परिवार है। महाराष्ट्र में विकास का काम नहीं बल्कि केवल परिवार को बढ़ाने का काम शुरू है। जो पार्टी हिंदू रक्षा का सूत्र बनाता अब हिंदुत्व छोड़ के परिवार पार्टी बना है। एक बारामती का परिवार है, दूसरा इटली का परिवार है, तीसरा कौन सा है? एक बारामती, दूसरा इटली, तीसरा आप सोचिए। केवल परिवार बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, महाराष्ट्र विकास के लिए नहीं है, केवल परिवार बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। उद्धव ठाकरे पार्ट टाइम मुख्यमंत्री। सीटी रवि ने कहा कि उद्धव ठाकरे राज्य के पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है, राज्य में फुल टाइम नहीं बल्कि पार्ट टाइम मुख्यमंत्री का राज चल रहा है। राज्य को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे फुल टाइम मुख्यमंत्री की जरूरत है। आज मुख्यमंत्री है ये पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है, फुल टाइम मुख्यमंत्री नहीं है। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के जैसा फुल टाइम मुख्यमंत्री होना चाहिए, पार्ट टाइम मुख्यमंत्री नहीं है। कब उठाता है, कब सोचता है, कब काम करता है सभी को पता है। महाराष्ट्र लोगों को उनका काम कैसा है सभी को पता है। इस सरकार को अधिकार में रहने का कोई नैतिकता नहीं है। राजनीति का अपराधीकरण इनका बाएं हाथ का खेल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।